नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव पर। जी हां, प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड में जितना नाम कमाया है, हॉलीवुड में वो उतना ही नाम कमा रही है। जी हां, आपको बता दें कि 2018 में निक जोनस से प्रियंका चोपड़ा ने शादी की थी। जी हां, प्रियंका चोपड़ा निक जोनस के साथ शादी के बंधन में बंधी थी। उसके बाद से अब तक प्रियंका चोपड़ा विदेश में ही है और भारत कभी कभी ही आना जाना उनका होता है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार प्रियंका चोपड़ा की फिल्म आ रही है, हॉलीवुड फिल्म जिसका नाम मैट्रिक्स है, और इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने एक दमदार किरदार निभाया है। और जब से प्रियंका चोपड़ा की इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है, तब से प्रियंका चोपड़ा बहुत ज़्यादा नर्वस है। प्रियंका चोपड़ा ने अपने हॉलीवुड करियर के बारे में बात की और बताया है कि आखिर क्यों इंडियन स्टार्स को काम नहीं मिल पाता है, उन्हें इतना स्ट्रगल करना पड़ता है हॉलीवुड फिल्मों में जगह बनाने के लिए। आप सबको पता है कि काफ़ी समय से प्रियंका चोपड़ा भी हॉलीवुड फिल्मों में स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है, हॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो इस बार उन्हें जो दमदार किरदार मिला है मैट्रिक्स में, उनके बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने बताया है कि टैलेंट बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, लेकिन जितना स्ट्रगल मैंने किया है इन 10 सालों में, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बहुत मुश्किल से मुझे अब जाकर जो मैं करना चाहती हूँ वो मुझे मिला है। जी हाँ, अपने हॉलीवुड करियर के बारे में उन्होंने बात की कि कैसे इंडियन स्टार्स को जल्दी हॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं मिलता है, एक दमदार किरदार निभाने को नहीं मिलता है। आखिर 10 सालों की मेहनत लगी है प्रियंका चोपड़ा को वहाँ तक पहुँचने के लिए जो वो करना चाहती थी, और अब प्रियंका चोपड़ा मैट्रिक्स फिल्म में नज़र आने वाली हैं, जिसका प्रीमियर कुछ समय पहले ही हुआ था, जिसमें उनके फैमिली से काफ़ी लोग पहुँचे थे। तो आपको इसको लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।